हिजाब अजान और हलाल विवाद के बाद कर्नाटक में त्रिशूल दीक्षा का मामला गर्मा गया है। यह विवाद शुरू हुआ है कथित तौर पर बजरंग दल की ओर से कर्नाटक के एक स्कूल में त्रिशूल दीक्षा को लेकर। क्या है यह पूरा विवाद, हम आपको इस पर विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बजरंग दल ने कर्नाटक के कोडागु जिले के एक स्कूल परिसर में युवाओं को त्रिशूल शिक्षा दी है और उन्हें मार्शल आर्ट्स और राइफल चलाना सिखाया है। हालांकि बजरंग दल ने युवाओं को किसी भी तरह का हथियार बांटे जाने के आरोप से इनकार किया है। बजरंग दल के इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष का आरोप है कि करीब एक सप्ताह तक चले बजरंग दल के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में बीजेपी के 3 विधायक भी शामिल हुए थे। वहीं 400 युवाओं को बंदूक समेत अन्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। यह शिविर कथित तौर पर 5 से 11 मई तक कोडागु जिले में चला। पोन्नम पेट में साई शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आयोजित शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का यह हिस्सा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि प्रतिभागियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के हथियार नहीं बांटे गए हैं, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। उधर इस मसले पर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल की ओर से इस प्रकार की ट्रेनिंग दिए जाना राज्य में शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मामला गर्माया तो मुख्यमंत्री ने त्रिशूल दीक्षा के बारे में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वे इसकी इजाजत नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी विधायक सीटी रवि ने इस ट्रेनिंग का बचाव करते हुए कहा कि ये एयर गन है, AK-47 नहीं। पुलिस भी इस तरह की ट्रेनिंग लेती है। हमारे लड़के एयर गन लिए हुए हैं, बम या AK-47 नहीं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना कोई गलत बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि क्या बजरंग दल ने केवल कर्नाटक में इस तरह की ट्रेनिंग दी है या वे इससे पहले भी इस तरह का कार्यक्रम चलाती रही है। कथित तौर पर सेल्फ डिफेंस के नाम पर बजरंग दल पिछले कई सालों से ऐसा कार्यक्रम चलाती रही है। इसी साल मार्च में लव जिहाद से हिंदू लड़कियों को बचाने, युवतियों को छेड़खानी से बचाने और हिंदुओं पर होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए बजरंग दल ने गुजरात में बड़ी संख्या में युवाओं को त्रिशूल दीक्षा दी थी। इसी तरह 2018 में भी बजरंग दल ने झारखंड के जमशेदपुर और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी युवाओं को इस तरह की दीक्षा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलरामपुर में युवाओं को दिए गए इस ट्रेनिंग में बजरंग दल के नए कार्यकर्ताओं को राम मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाया गया था। 2017 में भी गुजरात के गांधीनगर में लगभग 75 युवाओं को त्रिशूल बांटे जाने की मीडिया रिपोर्ट है। संगठन का दावा है कि त्रिशूल बांटने का मकसद गोरक्षा और कथित लव जिहाद के खिलाफ एक लड़ाई है। कर्नाटक में इस तरह की ट्रेनिंग दिए जाने के पीछे की एक बड़ी वजह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि हिजाब विवाद के बाद त्रिशूल दीक्षा जैसे मुद्दों के जरिए राज्य में ध्रुवीकरण की एक कोशिश की जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।